अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप की जायदाद पर सिक्योरिटी इकदाम को मजीद बढ़ाते हुए रोबोटिक कुत्तों की तैनाती का फैसला किया है। इन रोबोटिक कुत्तों का मकसद जायदाद के अतराफ इकनाफ में मुकम्मल निगरानी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। ये रोबोटिक कुत्ते जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं और सिक्योरिटी खतरात का बर वक्त पता लगाने के अहल हैं। रोबोटिक कुत्तों में मुख्तलिफ सेंसर्स और कैमरे नस्ब है जो कि खतरे की सूरत में फौरी अलर्ट जारी कर सकते हैं। उन्हें एक महफूज फासले से भी कंट्रोल किया जा सकता है जिससे सिक्योरिटी एहलकार खतरनाक हालात से महफूज रहते हुए सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। इन कुत्तों को चलाने के लिए मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इन्हें सिक्योरिटी में इंतहाई कारामद बनाता है। रोबोटिक कुत्तों की तैनाती ने सिक्योरिटी की सनत में एक नई जिद्दत की राह हमवार की है। इनकी मांग में इजाफे का इम्कान है, खास तौर पर अहम इमारतों, हुकूमती दफातर और निजी इमलाक की सिक्योरिटी के लिए रोबोटिक कुत्तों का मुस्तकबिल ताबनाक दिखाई देता है क्योंकि इनकी कारकर्दगी, लागत की बचत और खतरात के मुकाबले में इनकी पायदारी ने उन्हें सिक्योरिटी के लिए एक मौफिर हल बना दिया है। तवक्कु की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में रोबोटिक कुत्तों का इस्तेमाल मजीद आम होगा और उन्हें न सिर्फ अहम शख्सियात बल्कि अवामी मुकामात, सरहदों और दीगर हसास इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिक्योरिटी इदारे इनको मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स और सॉफ्टवेयर से लेस करके मजीद कारामद बना सकते हैं जिससे इनकी कारकर्दगी और भी बेहतर हो सकेगी। यूं रोबोटिक कुत्तों की तैनाती न सिर्फ सिक्योरिटी में नए रुझान को मुतारिफ करवा रही है बल्कि मुस्तकबिल में इंसानी सिक्योरिटी हमले पर भी बोझ कम करने में मददगार साबित होगी।